ये आकाशवाणी दिल्ली है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। ये आकाशवाणी है। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी रेडियो जीवनी का 13वां और अंतिम खंड, हे राम। लेखक हैं डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। अब तक आपने सुना है कि 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। मोहनदास करमचंद गांधी बचपन से ही सत्यनिष्ठ, मर्यादावादी और संकल्प के धनी थे। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर ऊंची शिक्षा पाने के लिए वे विलायत गए। वहां से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत में वकालत जड़ भी नहीं जमा सकी कि उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर मिल गया। दक्षिण अफ्रीका गए थे तो एक साधारण बैरिस्टर के रूप में, लेकिन घटनाक्रम ने उन्हें सार्वजनिक जीवन दे दिया। फिर शोहरत बढ़ती गई दक्षिण अफ्रीका में, यूरोप में, और खुशबू भारत तक आ पहुंची। सत्याग्रह का अनुसंधान और प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही किया और यश की सुगंध के साथ सन 1915 में अंतिम रूप से भारत लौट आए। अब महात्मा गांधी के सामने खड़ा था भारत, पराधीनता और विवशता से जकड़ा हुआ। बिहार के चंपारण जिले में उन्होंने सर्वप्रथम महान आंदोलन का सूत्रपात किया और उसके बाद तो संघर्ष का तांता ही लग गया। भारत के विस्तृत क्षितिज पर महात्मा जी देदीप्यमान हो उठे। खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि अनेक संघर्षों के साथ व्यक्तित्व उजागर होता गया, लेकिन स्वतंत्रता अब भी दूर थी। गांधी जी को लगा कि देश की आजादी के लिए खादी प्रचार, हरिजनोद्धार और ग्रामोत्थान के कार्य भी परमावश्यक हैं। सन 1936 में सेवाग्राम में बसकर वे अपने इन्हीं संकल्पों को मूर्त रूप देने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बादल जब संसार पर मंडराने लगे, तब गांधी जी उसे दूर करने के लिए प्रयत्न करते रहे। सन 1939-40 में देश की आजादी के लिए तत्कालीन वायसराय से भी अनेक बार बातें की। शिमला समझौते में गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व स्वयं अपने हाथों संभाला। फिर भी विदेशी सरकार की दुर्विनीत भावनाओं के कारण शिमला वार्ता असफल रही। सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन क्रिप्स मिशन के पास भी दुरंगी नीति से भरे सुदूर सपनों के अलावा कुछ और नहीं था। और ये सब वातावरण तूफान के पहले की उमस का प्रतीक सिद्ध हुआ। अगस्त 1942 को बंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, 9 अगस्त को अचानक महात्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने जैसे जागृत भारतीयों के स्वाभिमान को चुनौती दी। जनक्रांति का विस्फोट हुआ। विक्षुब्ध और क्रुद्ध भारतवासी मदांध ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध हो उठे। भारतीयों का नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ब्रिटिश सरकार दमन पर उतारू हो गई। प्रायः सभी नेता और असंख्य जनता जेल के सींचों में बंद कर दिए गए। यातना और अत्याचार विदेशी सरकार की नीति बन गई। जेल में ही 15 अगस्त 1942 को महात्मा जी के निजी सचिव और परम प्रिय श्री महादेव भाई का देहावसान हो गया और फरवरी 1944 को धर्मपत्नी कस्तूरबा सदा सर्वदा के लिए विदा हो गईं। स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपने दो प्रियजनों का बलिदान देकर 6 मई 1944 को बापू कारागार से बाहर आए। राजा जी फॉर्मूला के आधार पर मिस्टर जिन्ना से बात की, पर वार्ता असफल रही। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग सीधी कार्रवाई पर उतर आई। कलकत्ता में खूनरेजी और पाशविकता का नंगा नाच हुआ। आग नुआखाली और पंजाब तक फैल गई, जिसकी भयावह प्रतिक्रिया बिहार में हुई।
2 सितंबर को अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, लेकिन गांधी जी को तो सांप्रदायिक दंगों की खबर ने झकझोर किया था। नोआखाली में उठती हुई लपटों को शांत करने के लिए ये अकेला मसीहा 6 नवंबर को नोआखाली के लिए रवाना हो गया। नोआखाली की लपटें पूरी तरह शांत भी नहीं हो पाई थी कि बिहार की यात्रा करनी पड़ी। गांधी जी के प्रभाव ने बिहार वालों को प्रायश्चित करने को विवश किया। इसी बीच लॉर्ड माउंटबैटन के अनुरोध पर उन्हें दिल्ली आना पड़ा। आगे का वृत्तांत प्रस्तुत है महात्मा गांधी रेडियो जीवनी के 13वें और अंतिम खंड में। रूपक में महात्मा गांधी के सभी उद्धरणों का पाठ श्री शिवसागर मिश्र कर रहे हैं, तो लीजिए सुनिए। हे राम, जातु कामान् न भयान् न लोभात् धर्मं जहियात् जीवितस्यापि हेतु धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः। अपनी किसी इच्छा की तृप्ति के लिए या भय से, लोभ से या प्राणों की रक्षा के विचार से भी धर्म को न छोड़ना चाहिए, क्योंकि धर्म नित्य है और सुख दुख थोड़े समय के लिए आते हैं। आत्मा नित्य है, पर उसे बंधन में बांधने वाला शरीर नश्वर है। गांधी जी ने दिखला दिया कि धर्म उन्हें प्राणों से भी बढ़कर प्यारा था, अर्थात धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते न्योछावर कर दिए। बिहार में गांधी जी कब तक अटके रहे? गांधी जी की बिहार यात्रा बड़ी ही कामयाबी के साथ चल रही थी कि खबर आने लगी नोआखाली में आग फिर भड़कने वाली है और आग पंजाब में भी फूट पड़ी है। इन दो जगहों में से पहले वे किधर जाएं, ये बात तय भी नहीं हो पाई थी कि 30 मार्च 1947 को वायसराय के निमंत्रण पर वे दिल्ली चले गए। वहां 1 अप्रैल को एशियाई देशों के महासम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर ये दुनिया एक होने वाली नहीं है तो स्वेच्छा से मैं एक दिन भी इसमें जीना नहीं चाहता, बल्कि मेरी तो कामना है कि मेरे जीवन काल में ही ये दुनिया एक हो जाए। आप लोग जो कई देशों से यहां आए हुए हैं, आपका कर्तव्य है कि दुनिया को एक बनाने के लिए भरपूर कोशिश करें। खुशी की बात है कि एशिया के लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि यहां आए हुए हैं। तो क्या आप इसलिए एकत्र हुए हैं कि आपस में मिलकर आप यूरोप, अमरीका या दूसरे गैर एशियाई देशों के खिलाफ युद्ध करें? ऐसे विचार का मैं जोर से विरोध करूंगा। यह हिंदुस्तान का मिशन नहीं है। अगर अहिंसा के मार्ग से स्वाधीन होकर हिंदुस्तान किसी भी देश को दलित करना चाहेगा तो उस बात से मुझे घोर क्लेश होगा। पैगंबर की जो हालत होती है वही हाल गांधी जी का भी हुआ। मुस्लिम लीग के लोग गांधी जी को केवल हिंदू समझते थे और हिंदुओं का एक दल समझता था कि मुसलमानों के साथ सलूक करने में गांधी जी हिंदू हितों का बलिदान कर रहे हैं। 29 जून 1945 ईस्वी को गांधी जी ट्रेन से पूना जा रहे थे कि रास्ते में उनकी ट्रेन उलटने की साजिश की गई। पूना पहुंचकर
30 जून की प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा था, ये शायद 7वीं बार है जब दयालु भगवान ने मुझे मृत्यु के जबड़े में जाने से बचा लिया है। मैंने किसी भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाई है, न किसी को मैं अपना शत्रु समझता हूं। तब कोई आदमी मेरी जान क्यों लेना चाहता है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन आदमी का जन्म ही खतरों के बीच जीने के लिए होता है, अतएव ये दुर्घटना भी मेरी इस इच्छा को सबल बनाती है कि मैं 125 वर्ष तक जीवित रहूंगा। किंतु अप्रैल 1947 तक पंजाब के बहुत से हिंदू और सिख बेघरबार होकर दिल्ली चले आए थे और वे निराशा, क्रोध और बदले की भावना से जल रहे थे। गांधी जी की प्रार्थना में कुरान की आयतें भी शामिल थीं। 1 अप्रैल को जब गांधी जी दिल्ली में प्रार्थना करने लगे, एक नौजवान खड़ा होकर चिल्ला उठा, बस बंद कीजिए, बहुत हो गया, अब हम ये नहीं बोलने देंगे, बहुत सुन लिया। नौजवान आगे बढ़कर गांधी जी की ओर चला और चीख चीख कर कहता रहा, आप यहाँ से चले जाइए, ये हिंदू मंदिर है, यहाँ मुसलमानों की प्रार्थना हम नहीं होने देंगे। आपने बहुत बार ये कह लिया, पर हमारी माँ बहनों की हत्या पर हत्या हो रही है, अब हम ये सब सहन नहीं कर सकते। लोग उस नौजवान को रोकने लगे, पर गांधी जी ने कहा, मेरे और इसके बीच कोई न आवे। लेकिन लोगों ने उस नौजवान को प्रार्थना सभा के बाहर कर दिया। इस पर गांधी जी ने कहा, ये आपने ठीक नहीं किया, उस लड़के को आपने जबरदस्ती निकाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो गुस्से में था, प्रार्थना नहीं सुनना चाहता था। मैं किसी का विरोध करके प्रार्थना नहीं करना चाहता, अब आगे की प्रार्थना मैं छोड़ देना चाहता हूँ। पंजाब के बंटवारे का प्रस्ताव कांग्रेस ने गांधी जी की पीठ पीछे किया था। यह दर्द गांधी जी के कलेजे में कसक रहा था। उन्होंने कहा, पंजाब भी दीवाना हो गया, नुआखाली में भी ऐसे ही दीवानेपन से लोगों ने ज्यादतियां की, पर बिहार में नुआखाली से ज्यादा जंगलीपन हुआ और पंजाब में बिहार से भी ज्यादा। वायसराय के साथ गांधी जी की जो वार्ता चल रही थी उसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, मेरे कहने के मुताबिक तो कुछ होगा नहीं, होगा वही जो कांग्रेस करेगी। मेरी आज चलती कहां है, मेरी चलती होती तो पंजाब न हुआ होता, न बिहार होता, न नुआखाली। आज कोई मेरी बात मानता नहीं, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। हां, एक दिन मैं हिंदुस्तान में बड़ा आदमी था, तब सब मेरी बात मानते थे, आज न तो कांग्रेस मेरी मानती है, न हिंदू न मुसलमान। कांग्रेस आज है कहां, वो तो तितर बितर हो गई है। मेरा तो अरण्य रोदन चल रहा है, आज सब मुझे छोड़ सकते हैं, पर ईश्वर मुझे नहीं छोड़ेगा। शोरगुल 2 अप्रैल की प्रार्थना सभा में भी हुआ। ये मंदिर पब्लिक का है, हम आपको हर किसी यहाँ प्रार्थना नहीं करने देंगे, हम प्रार्थना सुनेंगे, हम प्रार्थना सुनेंगे। कई लोग उस युवक को हटाने लगे, प्रार्थना नहीं करने देंगे। सब लोग शांति से बैठे रहे, मैं जा रहा हूँ, इन भाइयों को कोई न छेड़े, ये भले ही अपनी विजय मान लें, पर ये क्या विजय है। मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदू धर्म का ये कत्ल हो रहा है। एक अन्य दिन कुरान की आयतों का विरोध करने वालों से गांधी जी ने कहा, मैं अच्छा पारसी हूँ, अच्छा मुसलमान हूँ, तभी अच्छा हिंदू भी हूँ। मैंने बता दिया कि मैं भंगी हूँ, ईसाई हूँ, मुसलमान हूँ, और हिंदू तो हूँ ही। मैं हिंदू हूँ तो मुसलमान भी हूँ, और सिख तो करीब करीब हिंदू ही हैं। दो एक दिन विरोध का आदर करते हुए गांधी जी ने प्रार्थना रोक दी, मगर फिर एक दिन उन्होंने कहा, एक बार प्रार्थना शुरू कर देने के बाद अगर चार ही आदमी मुझसे कहते कि प्रार्थना मत करो, तो मैं उनसे कहता, आप मेरा गला काट सकते हैं, मैं राम रहीम कृष्ण करीम कहता रहूंगा और दिल में रोष न लाकर सोचूंगा भगवान इन्हें सन्मति दे। प्रार्थना सभा में थोड़ी बहुत गड़बड़ी रोज ही होती थी। एक दिन प्रवचन के क्रम में गांधी जी ने कहा, मैं तो हर मजहब के पैगंबरों और संतों में विश्वास रखने वाला हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझ पर इल्जाम लगाने वालों पर मुझे गुस्सा न आए, इतना ही नहीं मैं उनके हाथों मरने को भी तैयार रहूं। अगर मैं अपने यकीन पर मजबूती से कायम रहा तो मैं सिर्फ हिंदू धर्म की ही नहीं इस्लाम की भी सेवा करूंगा। सारी दिल्ली, सारा पंजाब
हिंसा और बदले की भावना से खौल रहा था, मगर गांधी जी के मुख से अमृत की ही बूंदें झरती थी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप लोग खतरे की सीटी सुनते ही भाग निकलें। हमें मरना है और मार कर नहीं मरना है। अहिंसा हिंदू धर्म का असली सार है। मुसलमान धर्म का सार भी अहिंसा है और ईसाई धर्म भी अहिंसा सिखाता है। 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक गांधी जी बिहार में रहे। इसी बीच वायसराय के उद्योग से गांधी जी और जिना साहब के संयुक्त हस्ताक्षर से एक अपील निकली। राजनैतिक ध्येयों की प्राप्ति के लिए हम हिंसक साधन अपनाने की नीति की निंदा करते हैं और हमेशा के लिए उसे त्याज्य समझते हैं। भारत के सभी संप्रदायों, सभी धर्मों के लोगों से हमारी अपील है कि वो हिंसा और बदमनी का कोई काम न करें, न कोई ऐसी बात बोलें या लिखें जिससे हिंसा के कामों को उत्तेजना मिलती हो। 1 मई को गांधी जी फिर दिल्ली पहुंच गए और 6 मई को उन्होंने जिना साहब से मुलाकात की, मगर देश के विभाजन के प्रश्न पर दोनों नेताओं के बीच सहमत नहीं हो सकी। 7 मई की प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा, मैं पाकिस्तान बनाने में हाथ नहीं बटा सकता। जिना साहब जो करना चाहते हैं उसको पूरी तौर से खतरनाक चीज समझते हुए ये कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें पाकिस्तान की स्वीकृति के दस्तखत दे दूं? ये बात मैंने धीरज के साथ उनको सुना दी। हम आपस में लड़े नहीं, माधुर्य से ही हमने बातें की। किंतु इस अपील का कोई असर नहीं हुआ। जो जो 15 अगस्त नजदीक आने लगा, त्यों त्यों सिंध, सीमा प्रांत और पंजाब में उपद्रव बढ़ने लगे और गांधी जी शांत की रट लगाकर लोगों को समझाते रहे। सिंध के हिंदुओं को डरने का कारण क्या है? वहां से मेरे पास खत आया है कि हिंदू डर रहे हैं। क्यों डरें? वे राम नाम क्यों नहीं लेते? फिर एक दूसरे दिन उन्होंने कहा, आजकल एक अफवाह चली है कि गांधी बिहार में रहकर हिंदुओं को कटवा रहा है, पर मैं बुलंद आवाज से कहता हूं कि सब के सब मुसलमान पागल बन जाएं, तब भी हिंदू पागल न बने। बंगाल का बंटवारा हो गया। इस अंदेशे से कलकत्ते में फिर हवा बिगड़ने लगी और नोवाखाली के हिंदू भय से कांपने लगे। अतएव 8 मई को गांधी जी को कलकत्ता जाना पड़ा। 15 मई को वे पटने गए और 24 मई को वे दिल्ली चले आए। ये आशा किसी को नहीं रह गई थी कि देश अखंड रहेगा। फिर भी गांधी जी ने हार नहीं मानी थी। इसी तरह अगर मुसलमान भी तलवार उठाकर आते हैं और पाकिस्तान मांगते हैं तो मैं कहूंगा, तलवार के जोर से पाकिस्तान नहीं ले सकते। पहले मेरे टुकड़े कीजिए और बाद में हिंदुस्तान के। यदि सब इसी प्रकार कहेंगे तो भगवान उनकी तलवार के टुकड़े कर डालेगा। 400 साल पहले कबीर दास जी ने कहा था, अरे इन दोवुन राह न पाई। अब महात्मा गांधी कह रहे थे, ये मैं मानने को तैयार हूं कि मुसलमान ज्यादा बर्बादी कर रहे हैं, पर जब दोनों बुराई करते हैं तब किसने ज्यादा बुराई की और किसने कम, ये जानना बेकार है। दोनों गलती पर हैं। किसी ने गांधी जी से पूछ दिया, कहां तो आप पाकिस्तान के कट्टर विरोधी थे और कहां आप चुप लगा रहे हैं? मैं कबूल करता हूं कि मुझे भी ये निर्णय अच्छा नहीं लगा है, लेकिन दुनिया में कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपने मन की नहीं होती, फिर भी हम उन्हें सहन करते हैं। इसी तरह इसे भी हमें सहन करना है। जुलाई आते आते गांधी जी का मोह भंग हो गया। किसी ने उनसे लिखकर पूछा, जो कुछ हुआ और हो रहा है उसमें से क्या रामराज्य पैदा होने वाला है? मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें से रामराज्य पैदा होगा। अंग्रेजों ने हमारे देश के 2 टुकड़े बनाए और पीछे उसके 2 डोमिनियन स्टेट्स भी बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए ऐसा मानकर जब वे चलते हैं तो उसमें से राम राज्य या खुदाई राज्य कैसे पैदा हो सकता है? 29 जुलाई की प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा, मैं जो कहता हूं कि 15 अगस्त को फाका करो और प्रार्थना करो, वो क्या है? मैं दुख तो नहीं मनाना चाहता, लेकिन दुख की बात है कि हमारे पास खुराक नहीं है, कपड़ा नहीं है। आज एक आदमी बिगड़ जाता है और दूसरे आदमी को मार डालता है, सो हम मौज करें और मिठाई खाएं, ऐसा उत्सव ऐसे अवसर पर कैसे मनाया जा सकता है? गांधी जी 15 अगस्त का दिन नोवाखाली में मनाना चाहते थे, अतएव
वे नोवाखाली के लिए रवाना हो गए। पटने होकर 8 अगस्त को वे कलकत्ते पहुंचे। वहां सौदपुर आश्रम में भी उन्होंने कहा, 15 अगस्त को उपवास रखो, प्रार्थना करो और चरखे चलाओ। इसके सिवा उत्सव मनाने का और कौन उपाय है? सब दिक चल रहे हैं, लोग भूखों मर रहे हैं, नंगे मर रहे हैं। किंतु नोवाखाली जाना बदा नहीं था। 15 अगस्त के करीब आते ही कलकत्ते के हिंदू गुस्से से भर उठे। वे 1946 के 16 अगस्त का बदला अब लेना चाहते थे। बहुत से हिंदू और मुसलमान गांधी जी के पास आए और उन्हें राजी करने लगे कि अभी आप नोवाखाली न जाकर कलकत्ते की आग पर ही पानी डालिए। उस दिन प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा, अगर कलकत्ते की आग मेरे बुझाए बुझ सकती हो तो मैं अपने प्राणों की भी आहुति देने को तैयार हूं। 1946 में भय हिंदुओं के भीतर समाया हुआ था। इस बार मुसलमान डरे हुए थे। प्रधानमंत्री शहीद सोहरावर्दी कुछ मुसलमानों के साथ आए और गांधी जी से अनुरोध करने लगे कि वे कलकत्ते में ठहर जाएं। गांधी जी ने कहा, ठहरना तो है ही, मगर जिस घर में मैं रहूंगा उसी में आपको भी रहना होगा, और हम लोग ऐसे इलाके में ठहरेंगे जो सबसे ज्यादा खराब है। सबसे खराब मोहल्ला बेलिया घट्टा था, जहां से हिंदुओं ने मुसलमानों को निकाल दिया था। गांधी जी और सोहरावर्दी उसी मोहल्ले के एक मुसलमान के मकान में जा ठहरे। और हिंदुओं ने कुछ नहीं कहा? 13 अगस्त को उस घर के सामने हिंदुओं ने प्रदर्शन किया, गांधी जी को काले झंडे दिखाए और सोहरावर्दी को काफी बुरा भला कहा। किंतु 14 अगस्त को समाही कुछ और हो गया, जिसका विवरण श्री निर्मल कुमार बोस ने लिखा है। कलकत्ता लगभग हिंदू और मुस्लिम इलाकों में बट गया था, मगर 14 अगस्त को समाही कुछ और था। सड़कों पर हिंदू और मुसलमान गले गले मिल रहे थे और मुसलमान अपने हिंदू दोस्तों को मस्जिदों में भी ले जा रहे थे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गांधी जी ने एक दिन का उपवास रखा और बंगाल के नए गवर्नर श्री राजगोपालाचारी उनसे मिलने आए, और भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी को संदेश भेजा। पंजाब में हमने 55,000 फौज भेज रखी है, मगर दंगा वहां बड़े पैमाने पर हो रहा है। बंगाल में हमारी सरहदी फौज केवल 1 सिपाही की है, मगर वहां शांति है। किंतु यह शांति अल्पायु निकली। 1 सितंबर को गांधी जी नोवाखाली जाने की तैयारी में थे कि 31 अगस्त की रात में ही हिंदुओं ने उनके घर पर धावा बोल दिया और लोगों ने घर के भीतर घुसकर चीजों को तहस नहस कर डाला। निर्मल बाबू ने लिखा है, 1 सितंबर को सेंट्रल कलकत्ते में भयानक दंगा शुरू हो गया और मुसलमानों को जान के लाले पड़ गए। स्थिति इतनी भयानक हो उठी कि उसे संभालना पुलिस के लिए असंभव हो गया। निदान वही हुआ जिसकी आशंका की जा सकती थी। महात्मा गांधी ने अपना आमरण उपवास घोषित कर दिया। उपवास की घोषणा में गांधी जी ने कहा, पंजाब में आग लगी हुई है, मुझसे कहा जा रहा है कि मैं पंजाब जाऊं, मगर आग तो यहां कलकत्ते में भी भड़क उठी है। अगर मेरे उपवास से कलकत्ते की आग बुझती है तो उसका असर पंजाब पर भी पड़ेगा। अब ये कलकत्ता वालों के हाथ में है कि वे मुझे पंजाब जाने देते हैं या नहीं। चिंता सारे कलकत्ते में छा गई। गांधी जी से उनके एक व्यापारी भक्त ने पूछा, हमें क्या आज्ञा है? जाओ और अपनी जान दे दो। जिस इलाके में तुम रोजगार करते हो उसमें शांति कायम करो। शांति कायम न हो सके तो जिंदा लौट कर मेरे पास मत आना। गांधी जी ने सरदार पटेल को पत्र लिखते हुए लिखा, राजा जी मुझे समझाने आए थे, मगर उनकी कोई भी दलील कारगर नहीं हुई। मेरे उपवास से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर नेताओं में ईमानदारी है तो मारकाट बंद हो जाएगी और मेरा उपवास भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लोगों को दीवाना बनने से नहीं रोक सकता तो फिर मरने के सिवा मैं कर क्या सकता हूं। उपवास केवल 3 दिनों तक चला, मगर उतने ही समय में कलकत्ते का हृदय हिल गया। दोनों ही धर्मों के लोग गांधी जी के पास झुंड के झुंड आने लगे। कोई दल वादा करने को आता था, कोई इकरारनामा लिखकर लाता था, और कोई यह कहने को आता था कि हमारे इलाके में कोई वारदात नहीं हुई है।
जब यह साबित हो गया कि 24 घंटों के भीतर कहीं कोई भी वारदात नहीं हुई है, तब गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ दिया और बयान देते हुए कहा, अच्छा किया कि लोगों ने लिखित इकरारनामे भी मुझे दिए हैं, मगर लिखित शब्दों के भरोसे मैंने उपवास नहीं तोड़ा है। विश्वास मैंने उनकी बातों का किया है। ये याद रखने की बात है कि जब कलकत्ते में शांति रहेगी तभी नोआखाली और पंजाब भी शांत होंगे। 9 सितंबर 1947 ईस्वी को गांधी जी दिल्ली आए, जहां से वे फिर कभी बाहर न जा सके। ये वो समय था जब दिल्ली शरणार्थियों से भरी हुई थी और शरणार्थियों पर जो कुछ गुजरा था उसकी याद करके हिंदू और सिख क्रोध से जल रहे थे। दिल्ली के मुसलमान अपने अपने घरों को छोड़कर जगह जगह जमा होकर रह रहे थे। शरणार्थी शिविरों में क्रोध था, निराशा थी, गंदगी थी और घोर अव्यवस्था थी। लोग छोटी छोटी जगहों में जानवरों की तरह ठसाठस भरे थे। जो शरणार्थी थे वे बेकसूर मुसलमानों का खून पी जाना चाहते थे और दिल्ली के मुसलमान भय से थर थर कांप रहे थे। गांधी जी घूम घूम कर शिविरों को देखने लगे, सहमे हुए मुसलमानों को धीरज बंधाने लगे। प्रार्थना सभा में उन्होंने कहा, जिन्ना साहब ने कहा था कि पाकिस्तान के हिंदू उनके भाई हैं, मैं पाकिस्तान जाकर इस सच्चाई की जांच करना चाहता हूं, मगर अभी तो यहां दिल्ली में ही दंगे हो रहे हैं, यहां शांति हो तो पाकिस्तान जाऊं। दूसरे दिन मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता गांधी जी के पास आए और बोले, ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसकी हमने कल्पना की थी, अब तो शहर की हिफाजत सिर्फ आप कर सकते हैं। किंग्सवे कैंप की प्रार्थना सभा में भीड़ बहुत बड़ी थी, मगर जैसे ही कुरान की आयत पढ़ी जाने लगी एक आदमी चिल्ला उठा, इन्हीं आयतों के पढ़ने का नतीजा है कि हमारी माता और बहनों की इज्जत उतारी गई है, हमारे सगे संबंधी मारे गए, अब हम आपको कुरान की आयत पढ़ने नहीं देंगे। गांधी को दूर करो, गांधी मुर्दाबाद, गांधी मुर्दाबाद। सुन तो लेने दो कि गांधी जी क्या कहते हैं। हमें कुछ नहीं सुनना है, गांधी जी लौट दो। सभा में कोलाहल मच गया और प्रार्थना रोक दी गई। गांधी जी वापस मोटर में जा बैठे। मगर भीड़ ने मोटर पर पत्थर फेंके। 12 सितंबर को गांधी जी पुराने किले में शिविरों में गए। वहां भी भीड़ ने उन पर गुस्सा जाहिर किया। गांधी मुर्दाबाद, गांधी लौट जाओ। हम सब कुछ गवा के आए हैं, हमें खून के बदले खून चाहिए। सारी फसाद की जड़ यही मुद्दा है। बाबूजी, यहाँ खतरा है। ड्राइवर, मोटर को बढ़ाकर भीड़ से बाहर ले चलो। नहीं, मोटर मत बढ़ाओ, मैं इस भीड़ के साथ बात करूंगा। गांधी जी इतने कमजोर थे कि उनकी बोली सुनाई नहीं पड़ती थी। वे जो कुछ कहते उसे एक दूसरा आदमी दोहराता जा रहा था। ईश्वर एक है, मैं हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई में कोई भेद नहीं मानता, सब एक हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप शांत रहें, गुस्से को छोड़ दें, खौफ को भी छोड़ दें। आदमी चाहे कितना भी ताकतवर हो, वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता। हमारी शरण तो भगवान है। आदमी ने जो बर्बादी की है उसे भगवान ही दुरुस्त करेंगे। और मेरी बात पूछो तो मैं तो यहां करने या मरने को आया हूं। शब्दों में कोई नया अर्थ नहीं था, मगर गांधी जी जिस दर्द से बोल रहे थे उसका सुनने वालों पर असर पड़ा। उनमें से कई लोग रोने लगे। अभी जो गांधी जी के खून के प्यासे हो रहे थे वे उनके भक्त हो गए। जब गांधी जी मोटर में बैठकर चले, भीड़ नारा लगाने लगी, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, गांधी जी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। उन्हीं दिनों कश्मीर पर पाकिस्तानियों और अफरीदियों ने हमला किया और भारत सरकार को कश्मीर की रक्षा के लिए तुरंत फौज भेजनी पड़ी। इस स्थिति पर टीका करते हुए गांधी जी ने कहा, मैं मानता हूं कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान की सरकार का हाथ है। संघ सरकार ने अच्छा किया कि श्रीनगर की रक्षा के लिए तुरंत फौज भेज दी।
जैसे थर्मापोली की रक्षा करते स्पार्टा के वीर मिट गए थे, उसी प्रकार अगर संघ सेना की टुकड़ी कश्मीर को बचाने की कोशिश में मटिया मेट हो जाए तो इसका मुझे जरा भी दुख नहीं होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीसियों कारण थे। एक नया कारण और आ गया कि बंटवारे के हिसाब से पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पास निकलते थे। जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर चढ़ाई की तो भारत सरकार ने कहा कि अभी ये रुपए हम नहीं दे सकते। गांधी जी समझते थे कि यह बेईमानी की बात है। उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन से पूछा, इस बारे में आपका क्या विचार है? अगर भारत ने ये रुपए नहीं दिए तो उस पर यह पहला कलंक लगेगा। उस दिन से गांधी जी ने कहना शुरू कर दिया कि भारत सरकार को चाहिए कि ये रुपए वो पाकिस्तान को दे दे, और जो जो वे इस बात पर जोर देते थे त्यों तो हिंदू उनसे नाराज होते जाते। भला देखो तू, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लड़ाई है और ये बुड्ढा तब भी कहता है कि पाकिस्तान को रुपए दे दो। इसलिए कि इन्हीं 55 करोड़ रुपयों से पाकिस्तान हिंदुस्तान से लड़ सके। देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान के हिंदू तबाह हो गए, मगर गांधी जी के दिल से मुसलमान की तरफदारी नहीं गई। हिंदुओं का ये हाल था और राष्ट्रवादी मुसलमान गांधी जी से कह रहे थे, हमारे लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान की हमने मुखालफत की थी, और यहां दिल्ली में भी हम नहीं रह सकते क्योंकि हिंदू और सिख हमें फाड़कर खा जाना चाहते हैं। ऐसे में आप हम लोगों की मदद कीजिए और हमें इंग्लैंड भेज दीजिए। गांधी जी बिगड़ गए। आप राष्ट्रवादी मुसलमान होकर ऐसी बातें बोलते हैं? मगर फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा, दिल्ली पर से हमारा कब्जा ढीला हो रहा है, अगर दिल्ली गई तो हिंदुस्तान गया, और हिंदुस्तान गया तो दुनिया में शांति न रहेगी। ये कोई जवाब नहीं था। उसी समय मन ही मन उन्होंने निश्चय किया, मैं आमरण उपवास करूंगा। राष्ट्रवादी मुसलमान गांधी जी से 11 जनवरी को मिले थे। 12 जनवरी की प्रार्थना सभा में गांधी जी ने घोषणा की, मेरी लाचारी मुझे सताती रही है, उपवास के आरंभ होते ही ये लाचारी खत्म हो जाएगी। अपनी जिंदगी से बढ़कर ऐसी और कोई भी कीमती चीज नहीं हो सकती जिसे एक पवित्र मनुष्य बलिदान करे। उपवास मैं तब तोड़ूंगा जब मुझे ये विश्वास हो जाए कि सभी संप्रदायों के हृदय आपस में एक हो गए हैं। उपवास 13 जनवरी को आरंभ हुआ और असर बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। सरदार पटेल ने पूछा, हमारा क्या कर्तव्य है? सबसे पहले पाकिस्तान के रुपए दे देने चाहिए। एक सिख मित्र ने पूछा, आपका ये फाका किसके खिलाफ है? हिंदू और सिख मुसलमानों को दिल्ली से न निकालें ये मैं चाहता हूं, मगर बात इतनी ही नहीं है। मेरे उपवास का उद्देश्य सबकी आत्मा में जागृति पैदा करना है। गांधी जी ने यह उपवास मुसलमानों के हित में रखा था, मगर मुसलमान ही उससे सबसे अधिक घबराए हुए थे। उन्होंने आकर कहा, हमारी अर्ज सुनिए और मुसलमानों के हक में अपना फाका खत्म कर दीजिए। गांधी जी, आप ना रहे तो मुसलमानों को मदद और दिलासा कौन देगा? कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला ने आकर कहा, कश्मीर को आपकी जितनी जरूरत आज है उतनी पहले और कभी नहीं थी। आप कश्मीर के खातिर फाका तोड़ दीजिए। कितने ही तार विदेश से और कुछ पाकिस्तान से भी आए, मगर गांधी जी टस से मस नहीं हुए। मौलाना आजाद ने ठीक कहा था, अगर हम पत्थर की दीवार से अपना सिर फोड़ लें गांधी जी तब भी नहीं हिलेंगे। बहस करके उन्हें और ज्यादा तकलीफ देना बेकार है। हम अब यह सोचने की कोशिश करें कि क्या करने से वो अपना उपवास तोड़ने को तैयार होंगे। उपवास के अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक बिरला भवन में हुई और सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने की बात मान ली। मगर जो लोग गांधी जी से नाराज थे उनका गुस्सा इस फैसले से और भी बढ़ गया। रात में पश्चिमी पंजाब के सिखों ने बिरला भवन के दरवाजे पर प्रदर्शन किया, खून के बदले खून चाहिए, हम इंतकाम लेकर रहेंगे, गांधी को मर जाने दो, हमें खून के बदले खून चाहिए, हम इंतकाम लेकर रहेंगे, गांधी को मर जाने दो। ये शोर जवाहरलाल जी को सुनाई पड़ा। वे दौड़ कर आए और भीड़ को ललकारते हुए बोले, कौन कहता है कि गांधी को मर जाने दो,
उसकी हिम्मत हो तो यही बात वो मेरे सामने आकर कहे। गांधी जी से पहले उसे मुझे मारना होगा। शोर गांधी जी को भी सुनाई पड़ा। उन्होंने कहा, फिर लोग क्या चिल्ला रहे हैं? कहते हैं गांधी जी को मर जाने दो। वे कितने हैं? ज्यादा नहीं है। गांधी जी राम राम जपने लगे। मृदुला सारा भाई उस समय लाहौर में थी। उन्होंने तार भेजा। यहाँ हर आदमी ये जानना चाहता है कि वो गांधी जी की जान बचाने को क्या करे। हिंदू और मुसलमान नेताओं के झुंड गांधी जी से ये कहने को आने लगे कि हम एकता पर आ गए हैं और दिल्ली में अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हिंदुओं मुसलमानों और सिखों की एक सभा में जवाहरलाल जी ने कहा, गांधी जी हिंदुस्तान की रूहानी जिंदगी के प्रतीक हैं। वे अगर मर गए तो हिंदुस्तान की आत्मा मर जाएगी। एक पैगंबर की नजर से उन्होंने देख लिया कि सांप्रदायिक दंगे यदि चलते रहे तो हमारी आजादी खत्म हो जाएगी। उपवास के जादू ने काम किया। सिख स्वयंसेवकों के जलूस सड़कों पर एकता के नारे लगाते हुए घूमने लगे। गांधी जी के उपवास से दिल्ली के सभी लोग घबरा उठे। एकता के पक्ष में सभाएं होने लगीं। सभी कौमों के लोग आपस में गले गले मिलने लगे। हिंदू और सिख मिलकर मुसलमानों को धीरज बंधाने लगे। गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में कहा, दिल्ली के हिंदुओं मुसलमानों और सिखों के दल आपस में मिल गए तो मेरी शर्त पूरी हो गई, मगर ये एकता ऐसी होनी चाहिए कि दिल्ली से बाहर हिंदुस्तान या पाकिस्तान में आग लगने पर भी यहां की एकता को आंच नहीं आनी चाहिए। मेरे उपवास का एक ही जवाब है, हिंदू और मुसलमान आपस में मिल जाएं और दोनों डोमिनियन आपस में करीब आ जाएं। दिल्ली का ऐसा हृदय मंथन हुआ कि सारी हवा ही बदल गई। फिर सभी जातियों और फिरकों के 130 नेताओं की एक केंद्रीय समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के सभापतित्व में बनी और सभी नेताओं के हस्ताक्षर से एक दस्तावेज तैयार हुआ जिसका आमुख था, हम ऐलान करते हैं कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि दिल्ली के हिंदू सिख और मुसलमान जैसे पहले भाई भाई की तरह रहते थे वैसे ही फिर से रहेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम मुसलमानों के मजहब जान और माल की हिफाजत करेंगे और जो वारदातें इधर हाल में हुई हैं वे दिल्ली में अब नहीं होंगी। शांत के इस इकरारनामे को पाकर 28 जनवरी को गांधी जी ने अपना उपवास तोड़ दिया। तब उन्हें पता चला कि दो दिनों से जवाहरलाल भी उपवास कर रहे थे। इतने में गांधी जी ने कहा, अरे आर्थर मूर भी उपवास कर रहे थे, उन्हें फोन कर दो कि वे अपना उपवास तोड़ दें। आर्थर मूर ने फोन पर जवाब दिया, मुझे पहले ही खबर मिल गई थी, मैंने अभी अभी कॉफी और सिगार पीकर अपना फाकत तोड़ दिया है। लेकिन सबसे हृदय द्रावक दृश्य वो था जब 100 पर्दा नशीन मुसलमान औरतों ने बिरला भवन आकर गांधी जी से कहा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको बचा लिया। जिस दिन से आपने खाना नहीं खाया उसी दिन से हम सब भी फाके पर रही हैं। शांत के प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत करने का दिल्ली में एक आंदोलन ही शुरू हो गया और लगभग 2,00,000 लोगों ने प्रतिज्ञा पत्र पर दस्तखत किए। 18 जनवरी की प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा, मुझे पता चला है कि कल से हजारों शरणार्थी और दूसरे लोग मेरी सहानुभूति में उपवास कर रहे हैं। हजारों व्यक्तियों ने मेरे पास लिखित आश्वासन भेजे हैं कि लोगों के दिलों में परिवर्तन हो गया है और वे सबको भाई मानते हैं। सारी दुनिया से मेरे पास आशीर्वाद के तार आए हैं। क्या इस बात का इससे अच्छा सबूत कोई हो सकता है कि मेरे उपवास में ईश्वर का हाथ था? दुनिया के नामी नामी अखबारों ने इस घटना पर संपादकीय लेख लिखे और इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि गांधी जी बिना फौज और बिना रुपयों की ताकत के इतना बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। मैनचेस्टर गार्जियन ने लिखा, गांधी जी यदि संतों के बीच राजनीतिज्ञ हैं
तो राजनीतिज्ञों के बीच भी संत भी हैं। न्यूज क्रॉनिकल ने लिखा, इस बूढ़े और कमजोर आदमी की रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्ति ने दुनिया को हिला दिया है और उसे नई प्रेरणाओं से प्रेरित किया है। और वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, इस बात की जरूरत है कि पूरब और पश्चिम दुनिया के दोनों ही भागों में गांधी जी के समान आध्यात्मिक और नैतिक शक्ति वाले पुरुष उत्पन्न हों। लेकिन समूह के भीतर जहां इतनी सद्भावना जागृत हुई, वहां कुछ व्यक्तियों के हृदय और भी क्रोध से जल उठे। गांधी जी की इस महान विजय से घबराकर वे ये सोचने लगे कि गांधी जी की हत्या कर दी जाए, यही ठीक होगा। 20 जनवरी की प्रार्थना सभा में एक बम का विस्फोट हुआ। इसका जिक्र करते हुए 21 जनवरी की प्रार्थना सभा में गांधी जी ने कहा, कल के बम फूटने की बात कर लूं, लोग मेरी तारीफ करते हैं और तार भी भेजते हैं, पर मैंने बहादुरी नहीं दिखाई। मैंने तो यही समझा था कि फौज वाले कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में सुना कि बम था। अगर सामने बम फूटे और मैं न डरूं तो आप देखेंगे और कहेंगे कि वो बम से मर गया तो भी हंसता ही रहा। आज तो मैं तारीफ के काबिल नहीं हूं। जिस भाई ने ये काम किया उससे आपको या किसी को नफरत नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने और भी कहा, आप भी भगवान का नाम लेते हैं, हमला हो, कोई पुलिस भी मदद पर ना आवे, गोलियां भी चले, और तब भी मैं स्थिर रहूं और राम नाम लेता और आपसे लिवाता रहूं, ऐसी शक्ति ईश्वर मुझे दे तभी मैं धन्यवाद के लायक हूं। 20 तारीख को जब बम फूटा, गांधी जी का सचमुच ये ख्याल नहीं था कि बम प्रार्थना सभा में फूटा है। उन्होंने बम विस्फोट के समय कहा था, अगर कुछ नहीं हो तब भी हम घबरा जाएं, तो फिर उस वक्त हमारी क्या हालत होगी जब सचमुच कोई बात हो जाए। सुनिए सुनिए, हर आदमी शांत रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ है। दिल्ली में तो शांति थी, मगर गांधी जी समझ रहे थे कि पगले लोग उनकी जान के पीछे पड़े हैं। एक दिन एक आदमी गांधी जी के माथे में तेल की मालिश कर रहा था। गांधी जी ने कुछ सोचकर कहा, अगर मैं बीमार होकर मरा, फोड़े या फुंसी से मरा, तो तेरा काम होगा कि तू चीख चीख कर कहे कि गांधी महात्मा नहीं था, ईश्वर का भक्त नहीं था। लेकिन अगर कोई आदमी मुझे गोली मारते और मैं आह किए बिना भगवान का नाम लेता हुआ मरूं, तो मेरा दावा सही हो जाएगा। दिल्ली में शांति स्थापित करने के बाद गांधी जी सोच रहे थे कि अब उन्हें कहां जाना चाहिए, कलकत्ता या पाकिस्तान। मगर भगवान उनकी अब और अधिक परीक्षा नहीं लेना चाहते थे। 30 जनवरी शुक्रवार को लगता है उन्हें अपनी मृत्यु का पूर्वाभास होने लगा। गांधी जी को कफ का आजार हो गया था। मनु गांधी उनके लिए दवा तैयार करने लगी जिसे गांधी जी को रात को लेना था। गांधी जी ने मनु से कहा, कौन जानता है कि रात होते होते क्या हो जाएगा, या रात तक मैं जीवित भी रहूंगा या नहीं। रात तक मैं जीवित रह गया तो दवा उसी वक्त तैयार कर लेना। उसी दिन गांधी जी ने अपने सचिव श्री प्यारेलाल को उस वसीयत की कॉपी दी जिसे उन्होंने कांग्रेस के लिए तैयार किया था। कांग्रेस अपना काम पूरा कर चुकी, अब उसे लोक सेवक संघ का रूप ले लेना चाहिए। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी देर तक सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातें करते रहे। जब वे प्रार्थना के लिए चले, रास्ते में किसी ने उनसे कहा, बापूजी, काठियावाड़ के दो कार्यकर्ता आपसे मिलने आए हैं, उन्हें कब बुलाया जाए? उनसे कहो कि अगर मैं जिंदा रहा तो प्रार्थना के बाद उनसे मिल लूंगा। किंतु प्रार्थना से पहले ही भगवान ने गांधी जी को अपने पास बुला लिया। जो हाल सुकरात का हुआ, मंसूर का हुआ, ईसा मसीह का हुआ, वही हाल गांधी जी का हुआ। रास्ते में गांधी जी ने आभा और मनु से कहा, आज मैं 10 मिनट लेट हो गया, प्रार्थना में देर से पहुंचना मुझे अच्छा नहीं लगता। इतने में एक हत्यारे ने उनकी राह रोक ली। मनु उसका हाथ पकड़कर चिल्ला उठी, हटो, सामने से हट जाओ, बापू की राह मत रोको। गांधी जी भीड़ के नमस्कार का उत्तर देने को दोनों हाथ जोड़े हुए थे कि इतने में 3 गोलियां चली और गांधी जी, हे राम।
हे राम। अभी आपने महात्मा गांधी रेडियो जीवनी का 13वां और अंतिम खंड सुना। इसके लेखक थे डॉ. रामधारी सिंह दिनकर। इसमें गांधी जीवन के अप्रैल 1947 से देहावसान काल तक के वृत्तांत शामिल थे। हे राम रूपक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री हरि कपूर, अशोक सरीन, राजगुप्त राजीव, हरजीत, जफर अहमद, B.R.L. सक्सेना, कारी मोहम्मद इलियास, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, राजेंद्र वर्मा, C.S. नागर, योगेश्वर कृष्ण शास्त्री, सुरेंद्र सेठी, धरणीकांत झा, दिनेश्वर शास्त्री, सोमनाथ नागर, हरि मेहता, आनंद शर्मा, लक्ष्मीनारायण भारद्वाज, करतार सिंह पमार, हरिकृष्ण वैश, कुमारी हेमलता, श्रीमती राजकुमारी प्रसाद और डॉ. सुरेश अवस्थी। संगीत संरचना की श्री दर्शन सिंह ने और प्रस्तुतिकरण सहायक थे श्री सिद्धिनाथ झा। ध्वनि संपादक श्री रमेश चंद्र पांडे, निर्देशक श्री